गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू कर रखा है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे थे। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को हम कैसे आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 मेथड्स है, ठीक है ना। इन किसी भी मेथड से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो एक मेथड तो हमने पढ़ लिया था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेश में हमने देखा था, दो वस्तुओं को परस्पर अकड़ने से एक वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है और दूसरी ग्रहण कर लेती है। एक धनावेशित हो जाती है और दूसरी ऋणावेशित। दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो वहां पर देखो, इनिशियली दोनों जो वस्तुएं थी, दोनों जो बॉडी थी, वो क्या थी? अनचार्ज थी। आफ्टर द रबिंग, दोनों को रगड़ने के बाद पर दोनों पर इक्वल अमाउंट का अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वहां पर हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो, या ट्रांसफर है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हो रहा है। तो हमें पता है कि कोई भी बॉडी पर चार्ज तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन या तो वो लूज करेगा या वो गेन करेगा। लूज करता है, अगर त्यागता है इलेक्ट्रॉन तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर वो ग्रहण करता है या गेन करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट तो यही है, हमें इलेक्ट्रॉनों को या तो बाहर निकालना है या उसमें डालना है, ठीक है ना। और मेथड्स अलग अलग है, ठीक है ना। तो जैसे जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, वहां तक सबका काम पूरा होना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा था इस चैप्टर के लिए आप अलग कॉपी डाल लो। जिनको मान लो कॉपी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो वो जो चैप्टर नंबर अपना जो 11 चल रहा है, ठीक है ना, उस कॉपी में जो हाफ पार्ट बाद में इस चैप्टर को आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके जो मैंने फर्स्ट जो 3 वीडियो डाले हैं उनकी मैंने आपको PDF सेंड कर दी है, तो वो तो आप PDF को देखकर आप नोट कर लोगे, ठीक है ना। लेकिन जो चौथा वीडियो है इस चैप्टर का, वो आपको वीडियो से देखकर ही कॉपी में नोट करना है, ठीक है ना। आज का भी वीडियो है, आपको वीडियो को देखकर ही नोट करना है, फिर कॉपी में इसके लिए मैं PDF नहीं भेजूंगा, ठीक है ना। आपको बोर्ड पर ही पूरा मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो आप लिख लेना कॉपी लेकर, ठीक है। तो आप इस चैप्टर का जितना आज मैं करवा देता हूँ, ठीक है ना, इसका जो लास्ट जो टॉपिक होगा, लास्ट जो पेज होगा आपकी नोटबुक का, वो आप मेरे को पर्सनल नंबर पर सेंड करोगे, ठीक है ना। कल सुबह 9 बजे से पहले आप सेंड कर देना, ठीक है ना, ओके। तो हम सेकंड जो मेथड्स है किसी भी बॉडी को हम चार्ज करने का, वो क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होगा? देखो, जो फ्रिक्शन पड़ा था यहाँ पर प्रेरण है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वहां पर हमने देखा था फ्रिक्शन में, घर्षण में क्या थे? दोनों जो बॉडी थे इनिशियली अनचार्ज थी, ठीक है ना, और दोनों को चार्ज तभी आता जब दोनों को क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट में लाते हैं, मतलब स्पर्श कराते हैं। यहाँ पर क्या होगा? बिना कॉन्टेक्ट में, टू बॉडीज बिना कॉन्टेक्ट में आए ही क्या हो जाती है? अनचार्ज बॉडी है, वो चार्ज हो जाती है, ठीक है ना। बिना स्पर्श के ही यहाँ पर हमें चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, बिना स्पर्श के ही, स्पर्श नहीं करता है, बिना स्पर्श के ही हम चार्ज प्रोड्यूस कर देते हैं किसी अनचार्ज बॉडी पर। कैसे प्रोड्यूस करेंगे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि दो बॉडीज होगी, एक तो पहले से चार्ज होगी, उस चार्ज बॉडी से हम किसी अनचार्ज बॉडी को क्या करेंगे? चार्ज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, बात तो यही है कि जो हमारे पास अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, उससे या तो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, अगर उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो वो क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज होगी। तो कहने वाला अनचार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होगा, बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो दो बॉडियों के बीच में नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट ही नहीं है, दोनों में कॉन्टेक्ट ही नहीं करना। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो अनचार्ज बॉडी और अर्थ के बीच में होगा, ठीक है ना। या तो अनचार्ज बॉडी अर्थ से इलेक्ट्रॉन लेगी, अगर अर्थ से इलेक्ट्रॉन ले रही है एक्स्ट्रा तो वो नेगेटिवली चार्ज होगी, और अगर अर्थ को इलेक्ट्रॉन दे रही है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अर्थ क्या है? कंडक्टर होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है ना। कैसे ट्रांसफर करेगा? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दो बॉडियों के बीच में नहीं होगा, जो अनचार्ज बॉडी है उसका अर्थ के साथ होगा, ठीक है ना। कैसे होगा वो हम देखेंगे, इसको डायग्राम से हम समझेंगे, ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन यही है कि अगर हम किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज कंडक्टर बॉडी के नियर लेके जाते हैं, तो विदाउट कॉन्टेक्ट अनचार्ज बॉडी पर
अपोजिट पोलरिटी का चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ये जो प्रोसेस है चार्जिंग का, इसको हमें चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। यदि हम किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित चालक वस्तु के निकट ले जाते हैं, तो जो अनावेशित चालक वस्तु है उस पर बिना स्पर्श किए ही विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। बिना स्पर्श किए कैसा? विपरीत प्रकृति का। वहां पे भी विपरीत प्रकृति का था, यहाँ पे भी विपरीत प्रकृति का होगा। हमारे पास अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो अनचार्ज बॉडी कैसी बढ़ेगी? नेगेटिवली चार्ज बढ़ेगी। अगर हमारे पास चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, अगर ऋणात्मक ऋणावेशित है, तो हमारे पास जो अनावेशित जो आपके पास चालक होगा उस पर कैसा धनात्मक आवेश आएगा, कैसे आएगा वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो इसकी पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना, When a charged body brought to near an uncharged conductor body then opposite charge produced on uncharged body without any contact. Then opposite charge produced on uncharged body without any contact, comma, this process of charging is called charging by induction, okay? तो यहां पर क्या होगा, एक चार्ज बॉडी होगा, चार्ज बॉडी को अनचार्ज कंडक्टर बॉडी के पास ले जाना है, कोई कांटेक्ट नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। बिना टच किए ही जो अनचार्ज बॉडी है उस पर अपोजिट पोलरिटी का चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। अपोजिट बोले तो जो हमारे पास चार्ज है उससे अपोजिट पोलरिटी का आएगा। कैसे आएगा वो हम उसको डायग्राम से समझेंगे अच्छे से, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है जो हम इसका डायग्राम बनाएंगे वो, ठीक है ना। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट करेंगे, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित चालक वस्तु के निकट लाया जाता है, तो अनावेशित वस्तु पर प्रतिकर्षण के कारण बिना स्पर्श किए ही अनावेशित वस्तु पर प्रतिकर्षण के कारण ड्यू टू द रिपल्सन होगा, ठीक है ना। प्रतिकर्षण के कारण बिना स्पर्श किए ही विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। बिना स्पर्श के ही विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, कोमा, आवेशन की यह विधि या यह प्रक्रिया, आवेशन की यह प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक तो आवेशित वस्तु होगी पहले से, उस आवेशित वस्तु से हम अनावेशित वस्तु को आवेशित करेंगे, बट दोनों में कांटेक्ट नहीं होगा। जैसे हमने घर्षण द्वारा आवेश में देखा था दोनों कांटेक्ट कर रहे थे, बट वहां पर क्या थे, दोनों इनिशियली अनचार्ज थे, रगड़ने के बाद दोनों पे चार्ज आया था, बट यहाँ पर क्या, एक चार्ज होगी और एक अनचार्ज होगी, ठीक है ना। रिपल्सन के कारण क्या होगा, जो अनचार्ज बॉडी पर अपोजिट पोलरिटी, अपोजिट विपरीत प्रकृति का आवेश बोले तो जैसा आवेश चार्ज बॉडी आवेशित वस्तु पर है उससे विपरीत प्रकृति का आवेश वो अनावेशित वस्तु पर आएगा, ठीक है ना। ओके, अब
आप एडिंग डाल के लिख सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्टार लगाकर एडिंग डालना। चार्जिंग ए कंडक्टर स्फीयर बाय इंडक्शन मेथड। चार्जिंग ए कंडक्टर स्फीयर बाय इंडक्शन मेथड। ठीक है, कोस्ट में लिखना पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे लिखना फॉर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए हम देखते हैं, हम बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे। आप नेगेटिव चार्ज के लिए आप कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो आपको मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए बता देता हूँ। नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे होगा, किसी भी बॉडी को हम नेगेटिवली चार्ज कैसे करेंगे बाय द इंडक्शन मेथड, वो भी आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे एडिंग डालेंगे, प्रेरण द्वारा किसी अनावेशित चालक गोले को आवेशित करना। किसी अनावेशित चालक गोले को आवेशित करना। अब देखिए, पहले इसके डायग्राम को समझना अच्छे से। देखो, ये हमारे पास क्या है, कोई कंडक्टिंग स्फीयर है। हमने कोई स्फीयर ले लिया, ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर है। इधर बढ़ा लेते हैं, इधर लंबा जाएगा। ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। अब ये कंडक्टिंग स्फीयर बोले चालक गोला है, ये अनावेशित चालक गोला है। इसको हम इंसुलेटिंग स्टेट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, कुचालक स्टैंड है। ये कोई चालक गोला है, एनआरवीसी चालक गोला है। ये क्या है, अनचार्ज, कंडक्टर स्फीयर। ठीक है, इसको हमें आवेशित करना है, ठीक है। ये अनचार्ज्ड है, अनचार्ज बोले तो इसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसको हमें इंडक्शन मेथड से चार्ज करना है। इस चालक गोले को हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर, कुचालक स्टैंड पर रखा है, क्योंकि चालक को हम आवेश देते हैं तो उसकी सतह पर जाता है, ठीक है ना। अगर हम इस चालक गोले को अगर पृथ्वी पर रखेंगे या हाथ में रखेंगे तो इस चालक गोले पर आवेश नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इस चालक गोले को हम आवेश देंगे तो वो आवेश अगर अपना हाथ इससे टच है तो अपनी बॉडी पर चला जाएगा और पृथ्वी में चला जाएगा। तो हम इसको अगर, ये चालक गोले को अगर हम आवेशित कर रहे हैं किसी हम कंडक्टर स्फीयर को अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो इसको हमें किसी कुचालक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखना पड़ेगा। ये इंसुलेटिंग स्टैंड में इसमें चार्ज नहीं फ्लो होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमें पता है कि अनचार्ज्ड है, बोले तो इसमें जितने प्रोटोन है उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मैं ऐसे प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन को शो कर लेता हूं। इसमें जितने प्रोटोन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। पॉजिटिव वो प्रोटॉन को शो कर रहा है और नेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। आप देखो, जितने मैंने पॉजिटिव बनाए उतने ही नेगेटिव बनाए। बोले तो इसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। बोले तो ये क्या है, न्यूट्रल है, अनचार्ज्ड है। इसको चार्ज करना है, ठीक है। हमें कैसा चार्ज करना है, इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, ठीक है ना। तो ये स्टेप फर्स्ट होगी अपनी, ये होगी स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा कि हमें इन द फर्स्ट, ठीक है ना, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक अनावेशित चालक गोले को कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, ठीक है ना। किसी अनावेशित चालक गोले को कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है, ठीक है ना। इन द फर्स्ट एन अनचार्ज्ड स्फीयर
कंडक्टर स्पेयर इज पुट ऑन ए इंसुलेटिंग स्टैंड। ओके, अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। ये हमारे पास अनचार्ज्ड कंडक्टर स्फीयर है, इसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है इलेक्ट्रॉन, ऐसे ठीक है। इसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर ऐसे रख दिया, यही है ठीक है। अब इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो इसको पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए हमें पता है कि इंडक्शन में हमें क्या है, ये तो अनचार्ज है तो हमें कोई चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आना है। अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो नेगेटिव आपको ऑब्जेक्ट लेके आना पड़ेगा, नेगेटिव आपको बॉडी लेके आनी पड़ेगी। तो हम कोई नेगेटिव ऐसे रोड ले लेते हैं, ये नेगेटिव रोड है, ये इसके पास लेके आते हैं। टच नहीं है यहां पर, देखो टच नहीं करवाना है, टच नहीं करवाना है, टच नहीं करवाना है ठीक है ना। अब इस नेगेटिव चार्ज रोड को, ये नेगेटिवली चार्ज रोड बोलते हैं, इसको हम नेगेटिवली चार्ज रोड बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है नेगेटिवली चार्ज रोड, ये ऋणावेशित क्या है, ऋणावेशित छड़ हो गई है ठीक है ना। ऋणावेशित छड़ को इसके पास लेके आते हैं। तो देखिए रिपल्सन, हमें पता है कि भाई सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट में भी देखा था ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये नेगेटिव इसके पास लेंगे तो यहाँ टच नहीं है ठीक है ना, कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो रिपल्सन होगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बट पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या, प्रोटोन है, और प्रोटोन मूव नहीं करेगा, वो न्यूक्लियस में ही रहता है। बट ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर में, आपको पता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर में क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो गति कर सकते हैं। तो रिपल्सन के कारण, ये नेगेटिव चार्ज के कारण, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, रिपेल होकर क्या जाएंगे, रिपेल होकर इस वाली सतह पर इकट्ठे हो जाएंगे। पॉजिटिव तो ऐसे रहेंगे बट ये रिपल्सन के कारण ऐसे दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे तो ये इस वाली सतह पर चले जाएंगे, यहाँ पर इधर वाली साइड में ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे सारे ठीक है ना। ड्यू टू द रिपल्सन, इस नेगेटिव प्रतिकर्षण के कारण इस चालक गोले में जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर वाली साइड में क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाते हैं ठीक है ना। आगे बात समझ में, हाँ पॉजिटिव ट्रांसफर नहीं होंगे, पॉजिटिव रिमेन अनचेंज रहेंगे, बट नेगेटिव तो मूव कर सकते हैं, नेगेटिव इधर चल जाएंगे ठीक है ना। अभी भी इस पर कोई चार्ज नहीं आया है, इसमें जितने प्रोटोन है उतने ही क्या है इलेक्ट्रॉन, बस शिफ्टिंग हुई है कि इलेक्ट्रॉन इधर चले गए ठीक है ना। अगर हम इस रोड को हटा लेंगे तो वापस इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर आ जाएंगे ओके। तो अभी भी ये चार्ज नहीं हुआ है ठीक है। तो देखो हम इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं, देखो इसका अगर ऐसे हाफ पोर्शन करें तो इधर वाली साइड में तो क्या है पॉजिटिव ज्यादा है, इधर वाली साइड में क्या है नेगेटिव ज्यादा है। तो हम इसको सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाया था ये ठीक है। अब इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, जब इसके पास ये नेगेटिव रोड लाई जाएगी तो क्या होगा, इधर वाली सरफेस पर तो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और इधर वाली सरफेस पर क्या नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा ओके। कहने का मतलब हाँ इसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, बट क्या हो गए इधर वाली साइड में पॉजिटिव ज्यादा हो गए, इधर वाली साइड में नेगेटिव ज्यादा हो गए ओके। तो जब किसी नेगेटिव छड़ को इस चालक गोले के निकट लाया जाता है तो इस गोले की पास वाली, किसकी छड़ के पास वाली सतह पर धनावेश और दूर वाली सतह पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है प्रतिकर्षण के कारण। आगे बात समझ में, अब देखिए अगर मैं रोड को यहां से हटा लूं तो वापस आ जाएगी अनचार्ज हो गया ठीक है। अब हमें या तो देखो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर हो सकता है ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर ये देखो इलेक्ट्रॉन इस रिपल्सन के कारण ये चाहते हैं कि मैं इस कंडक्टर से बाहर निकल जाऊं ठीक है। लेकिन बाहर निकलने के लिए इसके पास यहाँ से इंसुलेटर से तो जा नहीं सकता, तो एक पाथ दे देते हैं हम ठीक है ना। तो अगली स्टेप में ये स्टेप सेकंड हो गई, अगली स्टेप में हम क्या करते हैं इस रोड को हम एज इट इज रखते हैं, इस रोड को नहीं हिलाना है ठीक है ना, इस रोड को नहीं हिलाना है, रोड को रिमेन अनचेंज रखना है, यथावत रखना है ठीक है।
हम ऐसे ही गोला ले लिया, बड़ा पी गया, ठीक है। ये हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज था, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये हमारे पास रोड थी, इसको रिमेन अनचेंज रखना है, ऐसे ही यहीं पर रखना है, एक बार बाद में हटाएंगे इसको, एक बार नहीं हटाना। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। अब क्या करना है, इसकी दूर वाली जो सरफेस है इस कंडक्टिंग स्फीयर की, इसको हम क्या कर देते हैं, अर्थ नेडेड कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया, बोले तो सुपुर्द भूमि कर दिया, ठीक है ना। इसको हमने किसी चालक तार से, किसी कंडक्टिंग वायर से हमने इसको भूसंपर्कित कर दिया, ठीक है ना। तो अब इसका कॉन्टेक्ट बन गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके रिपल्सन के कारण पहले तो इस सरफेस पर ही रुक गए थे, क्योंकि ये और बाहर तो नहीं निकल सकते थे इससे, तो रिपल्सन के कारण दूर चले गए बेचारे। अब इनको पाथ मिल गया इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्सन के कारण क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है ऐसे मूव कर जाएंगे, और इस कंडक्टिंग वायर से होते हुए इसको पाथ मिल गया, कंडक्टिंग वायर से होते हुए कहां चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या चले जाएंगे, ग्राउंड में वन बाई वन नीचे शिफ्ट हो गए ड्यू टू द रिपल्सन। बट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वो रिमेन अनचेंज रहेगा, क्योंकि इसके अट्रैक्शन के कारण अभी पॉजिटिव, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन नीचे से आ जाएंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसके रिपल्सन के कारण इलेक्ट्रॉन नीचे से नहीं आ सकते। अब देखिए, मैंने आपको यही बताया था, क्या इस और इस, ये हमारे पास अनचार्ज थी, ये अनचार्ज थी, क्या इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा, नहीं हो रहा। इसका ट्रांसफर किसके साथ, अर्थ के साथ हो रहा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ठीक है ना, ओके। अब हम क्या करते हैं, ये हमारी स्टेप थर्ड आ गई, ठीक है। स्टेप फोर में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्टेप फोर में हम क्या करते हैं, ठीक है, स्टेप फोर में हम, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास नेगेटिव रोड है, ठीक है। अब हम क्या करते थे, इस वायर को हटा दो, अगर इस वायर को नहीं हटाओगे, पहले इस रोड को हटा दिया, तो रोड को हटाने से वापस क्या होगी, इस पॉजिटिव के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इन पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब तक ये रोड है तब तक ये पॉजिटिव है, अगर रोड हटा दी तो इलेक्ट्रॉन वापस आकर इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो रोड को एज इट इज रखना है, पहले इस अर्थ नेडेड इस भूसंपर्कित तार को हटाना है, हटा दिया। अब हम इस रोड को दूर ले जाओगे, इस रोड को हम दूर ले जाएंगे, तो लास्ट वाला जो केस बनेगा, ये आप डायग्राम, ठीक है ना, बना लेना, समझ में आ गया, डायग्राम बना लेना, स्टेप वाइज, स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर में क्या कर रहे हैं। तो स्टेप जो फिफ्थ होगी, फिफ्थ जो स्टेप होगी, मैं इसको फर्स्ट वाली स्टेप को मिटा देता हूं। लास्ट क्या करते हैं, लास्ट वाली स्टेप में हम इस जो ये अपनी नेगेटिवली चार्ज रोड है, इसको हम इसी से दूर हटा लेते हैं, और इसको अगर इससे दूर हटाएंगे तो क्या होगा, हमें पता है कि ये कंडक्टर स्फीयर है, क्या है, कंडक्टर स्फीयर है, क्या है, कंडक्टर स्फीयर। तो कंडक्टर स्फीयर होगा, तो स्टेप फाइव, अगर स्टेप फाइव देखें तो कंडक्टर स्फीयर है, तो जैसे ही इस रोड को हटाएंगे, तो अब देखो कंडक्टर में यहां पर एक साइड में क्या है, चार्ज इकट्ठा है पॉजिटिव, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ दिस रोड, इसके आकर्षण के कारण एक साइड में है, लेकिन जैसे इस रोड को हटा लिया, तो मैंने आपको बताया था कि चालक है ये, कंडक्टर है, और कंडक्टर को अगर चार्ज देते हैं तो एक जगह इकट्ठा नहीं रहता, वो उसकी पूरी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो चार्ज है वो एक जगह इकट्ठा न होकर ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसकी सरफेस पर, ओके। तो देखो हमारे पास से पहले क्या थी, इनिशियली ये जो कंडक्टर था वो अनचार्ज था, इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं था, तो हमने यहां पर इंडक्शन मेथड से इसको पॉजिटिवली चार्ज कर लिया है, हो गए और नोट हो गए, कर लिया ना, कैसे किया है, विदाउट एनी कॉन्टेक्ट ड्यू टू द रिपल्सन, रिपल्सन के कारण ही यहाँ पर क्या होगा, सारा काम होगा, रिपल्सन के कारण ही ये इलेक्ट्रॉन है वो इस गोले से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है कि चार्ज करना है, तो या तो इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन
क्या करेगा, लूज करेगा। तो इस रिपल्सन के कारण ये इस गोले से इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें कोई ना कोई इसको पाथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने पाथ दे दिया, कंडक्टिंग वायर लगा दिया। तो इस कंडक्टिंग वायर से होते हुए अर्थ में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन में कमी हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव रह गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। आगे बात समझ में, ओके। तो ये डायग्राम आप बना लेना, ठीक है ना। आप ये 5 स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलेगा ये, ठीक है ना। ओके, फर्स्ट वाली स्टेप है, उसका डायग्राम आप पहले देख के बना लेना, ठीक है। तो ये डायग्राम आप पहले बनाओगे, ठीक है। इस डायग्राम में अलग अलग स्टेप है, अलग अलग स्टेप में क्या क्या हम काम कर रहे हैं वो हम देखते हैं, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब एडिंग डालना, स्टेप वन डायग्राम बनाने के बाद में स्टेप वन एडिंग डालना, ठीक है ना। स्टेप वन में पहले मैं इंग्लिश सुनने वाले बच्चों को बताता हूँ। स्टेप वन में लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ए अनचार्ज कंडक्टर स्फेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल एन अनचार्ज कंडक्टर स्फेयर पुट ऑन ए इंसुलेटिंग ए स्टेट, पुट ऑन ए इंसुलेटिंग ए स्टेट, ओके। अब स्टेप फर्स्ट में हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, सर्वप्रथम किसी अनावेशित चालक गोले को कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है। तो स्टेप फर्स्ट में हमने यही काम किया था कि गोले को हमने कुचालक स्टैंड पर रखा था, इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा था। सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, देखो, इसको पॉजिटिवली चार्ज करना तो नेगेटिव रोड के लेके आनी है, ठीक है ना। अगले वाले अब मैं आपको समझा दूंगा, अगर इसको नेगेटिवली चार्ज करना तो यहाँ पर कैसी रोड लेके आनी पड़ेगी, पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आनी पड़ेगी, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। स्टेप सेकंड में लिखो, नाउ ए नेगेटिवली चार्ज रोड ब्रोट टू नियर अनचार्ज्ड कंडक्टर स्फीयर विदाउट एनी कॉन्टेक्ट देन ड्यू टू रिपल्सन पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन नियर सरफेस, ठीक है ना। नियर और फार बोले तो इस रोड के नियर और फार, इस रोड के पास वाली पर पॉजिटिव है और दूर वाली पर नेगेटिव है, ठीक है ना। स्टेप सेकंड हिंदी में वाले बच्चे लिखेंगे, देखो स्टेप सेकंड एडिंग डाल के लिखना, जब ऋणावेशित छड़ को अनावेशित चालक गोले के निकट लाया जाता है, जब ऋणावेशित छड़ को अनावेशित चालक गोले के निकट लाया जाता है तो प्रतिकर्षण के कारण चालक गोले की पास वाली सतह पर धनावेश चालक गोले की पास वाली सतह पर धनावेश
तथा दूर वाली सतह पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। प्रतिकर्षण के कारण ही हुआ है ये चार्ज में जो शिफ्टिंग हुई वो प्रतिकर्षण के कारण ही हुई है, ठीक है ना। ओके, अब स्टेप थर्ड हेडिंग डालना, स्टेप थर्ड में लिखना नाउ स्टेप थर्ड हेडिंग डालकर लिखना नाउ फार सरफेस ऑफ कंडक्टर स्फीयर फार सरफेस ऑफ ये फार्स वाली सरफेस फार सरफेस ऑफ कंडक्टर स्फीयर अर्थ नेडेड बाय कंडक्टिंग वायर by conducting a wire, then electron transfer from conductor sphere to earth, then electron transfer from conductor sphere to earth, okay। जैसे ही इसको अर्थ नेडेड किया तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन थे इसकी दूर वाली सतह सरफेस पर वो इस सरफेस से ग्राउंड में चले जाते हैं, ठीक है ना। इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए जिससे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हिंदी में वाले स्टूडेंट क्या लिखेंगे, अब स्टेप थर्ड में क्या लिखेंगे, अब चालक गोले की दूर वाली सतह को किसी चालक तार द्वारा भूसंपर्कित कर दिया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन गोले की सतह से पृथ्वी में चले जाते हैं, ठीक है। ओके, अगली स्टेप में लिखना स्टेप फोर, लिखो इंग्लिश में वाले स्टूडेंट स्टेप फोर एडिंग डाल के लिखना नाउ कंडक्टिंग वायर रिमूव्ड फ्रॉम द बट ए पॉजिटिव चार्ज ऑन कंडक्टर स्फीयर रिमेन्स एज इट इज या रिमेन एज इट इज ड्यू टू अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के कारण ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पर रहेगा, ये अर्थ में ये न्यूट्रलाइज नहीं होगा, ये ब्लेंसी उदासीन नहीं होगा, ये संतुलित नहीं होगा, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले
बच्चे लिखेंगे स्टेप फोर में। अब भूसंपर्की तार को चालक गोले की दूर वाली सतह से हटा लिया जाता है, चालक गोले की दूर वाली सतह से हटा लिया जाता है, किंतु आकर्षण के कारण गोले की सतह पर धनावेश यथावत बना रहता है, किंतु आकर्षण के कारण गोले की सतह पर धनावेश यथावत बना रहता है। ठीक है, ओ स्टेप फाइव लिखना, ये स्टेप फाइव है। ठीक है, लिखो स्टेप फाइव। नाउ नेगेटिव रोड रिमूव फ्रॉम द कंडक्टर स्फीयर। नाउ नेगेटिव रोड रिमूव फ्रॉम द कंडक्टर स्फीयर then positive charge uniformly distributed over the outer surface of conductor, then positively या positive charge, then positive charge uniformly distributed, then positive charge uniformly distributed on outer surface of conductor sphere। ठीक है ना, कंडक्टर है इसलिए एक जगह इकट्ठा नहीं रहेगा, जैसे ही ये एक जगह इकट्ठा ड्यू टू इसके अट्रैक्शन के कारण ही है, जैसे इसको हमने दूर हटा लिया तो ये सारा का सारा इसकी पूरी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसको पॉजिटिव चार्ज कर लिया है। ठीक है ना, प्रोसेस समझ में आ गया कैसे करना है, वन बाय वन स्टेप चलेंगे और इसको कर लेंगे। ठीक है, ओके, तीन नंबर का क्वेश्चन आ सकता है विद डायग्राम स्टेप बाय स्टेप आपको इसको करना है। ठीक है, ओके, इंडिविजुअल वाले बच्चे लिखेंगे फिफ्थ स्टेप में। अब ऋणावेशित छड़ को गोले से दूर हटा लिया जाता है। अब ऋणावेशित छड़ को गोले से दूर हटा लिया जाता है जिससे धनावेश चालक गोले की संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है ना। तो हमने ये हमारे पास अनावेशित था, इसको हमने धनावेशित कर लिया है। ठीक है ना, और अब देखो ये तो मैं आपको लिखवा दिया मैंने, आप इस वीडियो को देखकर लिख लोगे, वन बाय वन स्टेप डायग्राम भी है। अब ये आपके लिए उम्रा के लिए आपको खुद को करना है। ठीक है ना, अगर हमें किसी कंडक्टर जो स्फीयर है उसको नेगेटिवली चार्ज करना है, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हुआ था, अब नेगेटिवली चार्ज करना है, यहाँ पर धनात्मक आवेश आया था, अगर हमें ऋणात्मक आवेश लाना तो कैसे आएगा, ड्यू टू द इंडक्शन, बाय द इंडक्शन मेथड से। देखिए ये हमारे पास अगेन वैसे स्टेप चलते हैं, ये हमारे पास एक ये स्टेप फर्स्ट होगी, ये स्टेप सेकेंड होगी, ये स्टेप थर्ड होगी। डायग्राम में आपको बता देता हूं, आप खुद करोगे इसको, पहले ऐसे मैं सारे ऐसे बना लेता हूं। ठीक है, अब इस पर अगेन वैसे ही ये क्या अनचार्ज्ड है, ये क्या है अनचार्ज्ड है, इसमें जितने प्लस है उतने ही माइनस है। तो स्टेप फर्स्ट यही है, ये स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर, स्टेप फाइव, वहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज किया या नेगेटिवली चार्ज करना है इसको। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, स्टेप फाइव ही आएंगे। ठीक है ना, बट इस केस में फर्स्ट स्टेप तो वही रहेगी कि हम एक अनचार्ज कंडक्टर स्फीयर को इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देंगे। ठीक है, सेकेंड वाले स्टेप में देखें तो हमें इसको नेगेटिवली चार्ज करना है, पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए हमने नेगेटिव रोड लेके आए थे। ठीक है ना, ऋणावेशी छड़ लेके आए थे, अब इसको नेगेटिवली चार्ज करना है तो हमें कैसी रोड लेके आनी है, पॉजिटिव
रोड लेके आनी है, पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आनी है, पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आएंगे। पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आएंगे तो हमें पता है कि रिपल्सर के कारण इस वाली सरफेस पर तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अट्रैक्शन करेंगे इलेक्ट्रॉन, और इधर वाली सरफेस पर क्या पॉजिटिव ज्यादा होंगे। ओके और नॉट ओके? ओके ओके। रिपल्सन के कारण यहां पर अट्रैक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को पास बुला लेगा, ये प्लस है उधर चले जाएंगे, तो प्लस है वैसे मूव नहीं कर रहे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी, कमी होगी, तो यहाँ पर इधर वाली साइड में ज्यादा पॉजिटिव होगा, इधर वाली साइड में ज्यादा नेगेटिव होगा। ओके, अब इसको अर्थनेटेड करेंगे, ठीक है, अर्थनेटेड करेंगे तो देखो अर्थनेटेड करने से क्या होगा, ये तो इसको तो रिमेन अनचेंज रखना है। ओके, इसको अर्थनेटेड कर दिया, भू संपर्कित कर दिया, सुपुर्द एक भूमि कर दिया इसको। अब यहां पर देखो क्या पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे चले जाएंगे, पॉजिटिव का ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसफर किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, तो पॉजिटिव जाएंगे नहीं, इस अर्थ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इलेक्ट्रॉन आकर देखो हमें पता है कि ये पॉजिटिव क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये और यहाँ पर अर्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो अर्थ वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर लेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा, तो कितने अट्रैक्ट करेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 प्लस है, तो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इन पॉजिटिव को क्या कर देंगे, ब्लेंस कर देंगे। इलेक्ट्रॉन है इस कंडीशन में, वहां पर इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर स्फीयर से अर्थ में जा रहे थे, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अर्थ सरफेस से, अर्थ से कंडक्टर स्फीयर में जाएंगे, पॉजिटिव मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वाली स्टेप में, ये नेगेटिव है वो एज इट इज बना रहेगा, ठीक है ना, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ दिस रॉड, इस छड़ के आकर्षण के कारण ये जो ऋणावेश है वो इसकी सतह पर यथावत बना रहेगा। अब इस भूसंपर्कित तार को, इस अर्थनेटेड कंडक्टिंग वायर को हम रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर दिया, ठीक है, अब इस रोड को हटा लेते हैं, तो नेगेटिव चार्ज इसकी सरफेस में ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज होगा ना, बस इसमें यही कॉन्सेप्ट है और तो बाकी वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर ये जो चीज देखने वाली बात है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन वो अर्थ में जा रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अर्थ से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि दे रहा है, ले रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन करेगा तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज बनेगा, बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो इन दो बॉडी में नहीं हो रहा है, इस अनचार्ज्ड बॉडी और अर्थ के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, टच करेगा तभी ट्रांसफर हो सकता है, विदाउट टचिंग ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये आप कर लेना, वो वैसी की वैसी एडिंग डालनी है, चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर स्फीयर बाय इंडक्शन मेथड फॉर नेगेटिव चार्ज, फॉर कोष्टक में एडिंग लाओगे फॉर नेगेटिव चार्ज। ओके, ये डायग्राम बनाओगे और स्टेप वाइज स्टेप लिखोगे, बस इस स्टेप में यही लिखना है, बस उसमें इसमें नेगेटिव नियर वाली नेगेटिव हो जाएगी, इसमें फार वाली पॉजिटिव हो जाएगी, डायग्राम को देखकर आप स्टेप वाइज स्टेप लिख सकते हो, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देखें, चार्जिंग ऑफ टू कॉन्टेक्ट कंडक्टर स्फीयर्स, इंडक्शन मेथड, ओके, दो
अनावेशित चालक गोलों को प्रेरण द्वारा आवेशित करना। ठीक है, यहां पर हमें एक नहीं दो हमारे पास क्या है, एक ये है और एक ये है, एक ए है और एक बी है, दोनों कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं, ऐसे किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पर ऐसे दोनों रखे हुए हैं। इसका हम केवल डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से समझ लेना, स्टेप लिखने की जरूरत है। ये स्टेप फर्स्ट होगी, ठीक है, ये दोनों अनचार्ज्ड है इनिशियली, ये अनावेशित चालक गोले हैं, अनावेशित चालक गोले अनचार्ज्ड कंडक्टर स्फीयर हिंदी मीडियम वाले क्या लिख देंगे, अनावेशित चालक गोले बोले तो इसमें जितने प्लस है उतने ही माइनस है, मैं सो नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, ओके। अब देखिए अगली वाली स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों गोलों के पास में हम क्या लेके आ रहे हैं, हम एक रोड लेके आ जाओ, चाहे पॉजिटिव रोड लेके आ जाओ चाहे नेगेटिव रोड लेके आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसमें ये फर्क पड़ेगा कि ए वाला कैसा बनेगा बी वाला कैसा बनेगा। ठीक है, मैं समझा देता हूँ, एक रोड लेके आए विदाउट एनी कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट में नहीं रखना है, ये रोड लेके आ गए, इस पर मान लो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिवली चार्ज रोड है, ठीक है ना। अब देखो हमें पता है कि ड्यू टू द रिपल्सन, रिपल्सन के कारण यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस वाली सरफेस पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये दोनों कंडक्टर टच में है, और टच में होगा तो इन इलेक्ट्रॉनों को एक रास्ता मिल गया, एक पाथ मिल गया, वो यहां पर नहीं, ये यहां से होते हुए इस दूर वाली सरफेस पर चले जाएंगे, ऐसे। आगे बात समझ में आगे ना, अगर इसको हटा दें तो इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, दोनों न्यूट्रल हो गए और नोट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर देखो, यहां पर जो चार्ज हो गया, अगर हम दो कॉन्टेक्ट स्फीयर की बात करें तो यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इन दोनों अनचार्ज्ड जो कंडक्टर होंगे इनके बीच में ही होगा, ठीक है ना। देखो आप यहाँ से देख रहे हो कि इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो इसमें चले गए, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, न कोई रगड़ा, सिर्फ कॉन्टेक्ट में रखा है और यहाँ पर रोड लेके आ गए, ठीक है, हो गए और नॉट हो गए, रोड को नहीं हटाना है, ये स्टेप सेकंड होगी। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा, ये पाथ है कॉन्टेक्ट में है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए इस दूर वाली सरफेस पर, क्योंकि रिपल्सन के कारण दूर से दूर जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ क्यों रुकेंगे बेचारे, यहाँ रुकेंगे क्योंकि पाथ है इनके पास। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करते थे, इसको आपको एज इट इज रखना है, इसको एज इट इज रखना है, ओके, और इन दोनों के कॉन्टेक्ट को हटा दो, इन दोनों के कॉन्टेक्ट को हटा दिया आपने, अलग अलग ले सकते हो, ठीक है, इन दोनों को दूर दूर कर दिया, इधर नेगेटिव था इस पर अट्रैक्शन के कारण, इस पॉजिटिव के अट्रैक्शन के कारण ये इधर आ जाएगी, ओके। अब देखिए, या हम इस रोड के इधर शो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये स्टेप क्या होगी, सेकंड होगी, ये स्टेप थर्ड होगी। अब स्टेप फोर में क्या होगा, इस रोड को हटा लो, अब इस रोड को हटा लेंगे हम, इस रोड को हटाएंगे तो स्टेप फोर में क्या आएगा, देखो इधर बना देता हूं, इस रोड को हटा देंगे तो क्या होगा, ये भी कंडक्टर है और ये भी क्या है, कंडक्टर,
ए था, ये बी था, ये कंडक्टर है, इसलिए चार्ज एक जगह इकट्ठा नहीं रहेगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज है वो ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ए था, ये बी था, ए था बी था, ए पर क्या आया पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और बी गेन कर रहा है, तो बी पर नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखो बिना किसी भूसंपर्कित बिना अर्थ नेडेड के हमने दो गोलों को प्रेरण द्वारा एक पर पॉजिटिव लिया एक पर नेगेटिव लिया है। ले आए ना यहाँ पर इन दोनों अनचार्ज जो कंडक्टर है इनके बीच में ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है ना, अर्थ के साथ ट्रांसफर नहीं होगा, इसके बीच में होगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव रोड लेके आए तो पॉजिटिव रोड लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो बस अगर हम नेगेटिव की जगह देखो नेगेटिव रोड लेके आएंगे तो ए बनेगा पॉजिटिव और बी बनेगा नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव रोड लेके आएंगे तो पॉजिटिव रोड लेके आएंगे तो ए बनेगा नेगेटिव और बी बनेगा पॉजिटिव। ओके, बस यही है, बट दोनों पर मतलब अपोजिट पोलरिटी का चार्ज आएगा। ठीक है ना, ओके, एक पर अगर पॉजिटिव है तो दूसरे पर नेगेटिव, और अगर आपने रोड अगर अपोजिट लिए तो पहले वाले पर नेगेटिव दूसरे वाले पर पॉजिटिव। समझ में आ गया, डायग्राम ही बनाते ना, इसका आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हो इसको देख कर। ओके ओके, समझ में आ गया होगा। तो इसको आप फिर कॉपी में नोट कर लोगे। ठीक है ना, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। ठीक है, थैंक यू।